यू एन आशीष। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी हेयर एक्सेसरीज की कलेक्शन। सो पहले हम किससे स्टार्ट करें? सो ये सारे बॉक्सेस मेरे हैं, बट ये बॉक्स मम्मा का है। बट इसमें से ना जैसे जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं जो मम्मा लगाती है, वो कभी कभार मैं भी यूज कर लेती हूँ। सबसे पहले हम इस बॉक्स से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे किससे स्टार्ट करेंगे? सबसे छोटे बॉक्स। इसमें क्या है? इसमें है मेरे कुछ छोटे छोटे क्लिप्स, जैसे ये बो है मेरी, एंड मेरे इसमें बहुत ज्यादा पुराने क्लिप्स हैं गाइस। जब मैं बहुत छोटी थी ना, मैं तब लगाती थी इतने छोटे छोटे क्लिप्स। अभी मैं आपको ना बहुत सारे क्लिप मेरे मिलते जुलते ओके। एक तो ये है मेरा मिलता हुआ क्लिप, ये सारे मुझे बहुत सारे हैं मेरे बो वाले। ये मम्मा ने मुझे मेरी स्कूल ड्रेस से मैचिंग दिलाया था। सी कितने सारे हैं, एंड अभी नेक्स्ट बॉक्स में भी है थोड़े से इस टाइप के। अब चलते हैं नेक्स्ट बॉक्स। एक बार इसको सारा सबको दिखा दो। एक सारा सी इसमें कुछ मेरे छोटे छोटे रबर बैंड्स हैं। ये क्लेचर है मेरा छोटा छोटा, इसे भी मैं कभी कभार यूज कर लेती हूँ। एंड ये है वो वाली पेन। सी इसके साथ के मेरे पास वो भी है। सी फ्रेंड्स, कितने सारे यहाँ पे मेरे पास सेम मिलते जुलते क्लिप्स। ये भी एक टेडी बियर वाले, ये मेरे फेवरेट है। लीने लाइन में दिखाएं हम आपको। ये मेरे पास बहुत सारे है गाइस, इस बॉक्स में भी है, बट बोलते मैं तो इसमें नॉर्मली कुछ पिन्स हैं। ये हैं मंकी पिन्स। अब चलते हैं नेक्स्ट बॉक्स की तरह। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है पहनने। इसका ना पर्पल शेड है ना जो घर का, वो बहुत अच्छा है। इंग्लिश पर्पल है वो। एंड सी दिस इज अ मिनी पिन। इतनी छोटी बिना आपने कभी देखी नहीं होगी गाइस। सो अब हम किस बॉक्स में? दिस वन। ओके, हम ना असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, मैं साथ साथ निकालती रहती हूँ सारा सामान, आपको दिखाऊंगी इस बॉक्स का। उस बॉक्स में इतना कुछ ना इंटरेस्टिंग नहीं था। ये है बॉक्स मेरा, ये डेली यूज वाला। ये मेरी बहुत शाइनी शाइनी पिन है, आई लव इट। आई हैव मेनी बोज, दिस वन इज ऑल्सो अ बो, वन मोर बो। तानी गाइस कितने सारे बोज हैं मेरे पास। फ्रेंड्स ये दोनों सेम है, बस इसका पिंक और इसका ब्लू है। ये मैंने सोचा था जैसे मम्मा और मैं शॉर्ट्स बनाते हैं ना, तो हम इसमें कभी लगाया करेंगे दोनों सेम। बट गाइस मम्मा के पास ना कोई ब्लू तक वो नहीं है, तो बहुत कम है। आई हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस। कब? इन मंसूरी। हाँ गाइस मम्मा ने वो ब्लू वाले लगाए थे, तो मम्मा ने लगाया था, बट हम दोनों ने कभी साथ में नहीं लगाया था। दिस इज द पॉइंट। यस, ये है एक फ्रिल वाला क्लिप, स्माइली विंगो। एंड बाकी मैं अच्छे अच्छे क्लिप्स दिखाती हूँ। एंड दिस इज वन मोर बो, दिस इज किटी रैबिट। वन मोर बो इज देयर, व्हिच वन? दिस। सी दिस इज वन मोर बो गाइस, आप देख सकते हो मेरे पास कितनी सारी बोज हैं। ये क्लिप एंड बाकी है उस क्लिप के बाद, मैंने आपको दिखाए थे ना पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे। This with clips and इसके अंदर normal pins हैं कुछ तो, and one more bow. Guys, I don't know, I have मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास कितने pins। This is a hat. You have 3 to 4 hats, I suppose. Yes, this is one more hat. This is, see, this is also a bow. Two hats are there in this box. This is a strawberry pin. I love it.
And this is a rose flower pen. And see, I have not opened this pin yet, but because it is small, but आपको दिखाने के लिए तो खोल लेते हैं. ये है बहुत अच्छी सी फ्लावर पेन, बट ये बहुत छोटी छोटी है. एंड अब मैंने हेयर कट करा लिया तो मैं ऐसे पिंस बहुत सारा यूज कर सकती हूँ, क्योंकि अब स्कूल खुल रहे हैं तो मम्मा बोलती है मैं टू पोनीज नहीं करूँगी. मम्मा को अच्छी लगती मेरी टू पोनीज, सो दैट्स व्हाई. गाइस ये वाला मेरा सबसे फेवरेट क्लिप है. ये ना मुझे पर्पल टाइप कलर्स ना बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि इंग्लिश पर्पल है. एंड ये है मेरे पास टू पेपा पिक क्लिप्स, अ पेयर ऑफ पेपा पिक क्लिप्स. जिमी 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 गाइस देख सकते हो बॉक्स कितना कुछ कंटेन करता है. एंड यहाँ पे कुछ नॉर्मली पेन्स हैं गाइस. ये है. सो ये तो ऐसे ऐसे हैं. अब हम इन सबको पैक करते हैं. स्ट्रॉबेरी पेन, रोज पेन, पेपा पिग एंड फ्लावर पेन, लायन पेन, लायन पेन, स्मॉल बो, हैट्स, फ्रिल पेन, किटी पेन, टेडी बियर पेन, सेम बोस, फ्रोजन बो, स्टोन बो, क्लोथ बो, स्पार्कल ब्लो बो एंड पार्टी वेयर बो. यस यू कैन आल्सो से पार्टी वेयर. नॉर्मल डेली रूटीन बो, दिस इज आल्सो अ सीक्वेंस बो एंड दिस इज आल्सो अ पार्टी वेयर. सो अब इतने सारे क्लिप्स हो चुके हैं मेरे, इसका उगा रखा है ये. सो टू बॉक्सेस यहाँ पे हो चुके हैं. अब किस पे जाए? अब ये है स्मॉलर देन. अब गाइस मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये स्मॉलर है कि ये. मम्मा कौन सा है? ये है ना. उसके बाद ये. ये गाइस इतने सारे इसके अंदर हेयर बैंड्स है कि ये बॉक्स ना बंद भी नहीं होता है पूरा. सो ये है कुछ. ये है मेरा येलो कलर का पेन. इसमें बहुत बड़े बड़े पिन्स हैं और टू थ्री हेयर बैंड्स. सी दिस इज अ स्ट्रॉबेरी वन हेयर बैंड एंड दिस इज द सेम बट दिस इज आउल नॉट स्ट्रॉबेरी एंड इट्स ब्लू इन कलर. सो दिस इज आल्सो. इसके अंदर भी ऐसा सा है ये कलर अलग. देखा आपने कितने सारे हैं. ये है ब्लू एंड वाइट एंड ये है मेहरून एंड ब्लैक. दिस इज वन मोर हैट विच आई हैव थर्ड हैट. दिस इज ये थोड़ा सा ग्रीन और टर्क्वाइज कलर. टर्क्वाइज कलर गाइस मुझे भी नहीं पता कौन सा टर्क्वाइज कौन सा कलर होता है. एंड ये ना अगेन बो. यस बो. एंड इसके अंदर ना जो नेट है ना इसके अंदर स्टोन्स है, जैसे ऐसे करेंगे ना स्टोन सारे हिलते हैं. ये भी बो है एक टाइप से. वन मोर बो. नो दिस इज अ फ्लावर. दिस इज अ फ्लावर बो. दिस इज आल्सो फ्लावर. इट्स ऑरेंज. क्लोथ बैंड्स आई सपोज है ना. यस ये है क्लोथ बैंड. ओके सी ये कैसे लगते हैं. ये ऐसे स्ट्रेचेबल है, इसे हम नो डोंट डू दिस लगा सकते हैं. एंड फ्रेंड्स ये वाला जो है ना हेयर बैंड जो मैंने लगा रखा है ये मैंने इस बॉक्स में से लगा. अब हम रैप करते हैं. एंड इसके अंदर एक और सेम येलो ऑरेंज वो है जैसे कि ये है. स्लोली स्लोली पैक करेंगे हम बॉक्स को.
चलते हैं नेक्स्ट बॉक्स की तरफ, जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था। गोल्ड ब्लॉक ब्लॉक बॉक्स, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ वो। चलो इसे खोले, पासवर्ड ये मम्मा का है। मैं आपको दिखाऊंगी, चिंता मत करो। सो इस ट्रे में क्या है, इस ट्रे में है ये फ्लावर्स। आपने देखा होगा ना रियान के बर्थडे में जब मैंने उस बैक साइड फेस करा था, एक तो पहरा हटा दे सर मम्मा के साथ, एंड एक मैंने उसमें भी आपको अच्छे से दिखाया था, अच्छे से नहीं मतलब दिखाया था ट्रांसफॉर्मेशन, जिसने ऐसे करा एंड इट ट्रांसफॉर्म। और ये फ्लावर्स मम्मा के थे जो अक्षय ने यूज किए थे। ये मम्मा ने कब लगाए थे? ऑन माय रिंग सेरेमनी। 11 इयर्स, ये 11 इयर्स ओल्ड फ्लावर्स हैं जो कि भी यूज हो सकते हैं। दिस इज आर्टिफिशियल हेयर, दिस इज आर्टिफिशियल हेयर, एंड इसमें कुछ जुड़ा है ऐसा सा, ये कॉर्ड है यहाँ पे, एंड ये जो कवर करने वाला होता है जूड़े, मुझे नहीं पता जूड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इस बुक्स में तो कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये बाहर से खास है। थ्री मोर बॉक्सेस आर देयर व्हिच आर इन द कबोर्ड। अच्छा आपकी, आपने मुझे वो दिया ही नहीं। आई विल गेट बैक टू यू। सो यहाँ पर है ये, देखिए स्टोन वाला है, मैंने ये है वाला स्टोन वाला, ये कुछ मैं नॉर्मल हेयर बैंड ले लेती हूँ इसे ना कलरफुल वाले, क्योंकि मुझे स्टडी करते ऐसे ही लगाने होते हैं। ये है बीट्स वाला जो कि खराब हो चुके हैं। ओ अक्षिता, डू यू स्टडी आल्सो, आप पढ़ते भी हो? यस गाइस, हम वीडियो बनाते हैं तो पढ़ते भी हैं गाइस, क्योंकि जो इंग्लिश वर्ड्स वगैरह हैं वो हम पढ़ाई से सीखते हैं, एंड आप कुछ ऐप्स से भी सीख सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए Duolingo, येलो क्लास, बायजूस, वेदांतु, इतनी सारी ऐप्स हैं, आप किसी से भी कोडिंग ले सकते हो, एंड वाइट हैंड जूनियर अस। अगर आपको ये पता करना है कि मैं भी इनमें से कोई एक ऐप में हूँ, सो 100 लाइक्स वी नीड, 50 लाइक्स, ओके 50 लाइक्स, ये तो दिखा ही चुकी हूँ मैं आपको, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ये है नॉर्मल लेमन, आजकल ट्रेंड में है। इस हेयर बैंड में क्या किया था अक्षी ने? इस हेयर बैंड में मैंने स्पीच दी थी दादू की रिटायरमेंट पे। अगर आपको वो वीडियो देखनी है ना तो रिटायरमेंट स्पीच का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और मम्मा ने भी स्पीच दी थी, उसमें ये नहीं लगाया था मम्मा ने, क्योंकि मैंने लगाया था। आई हैव यूज्ड वन बो देयर, यस सीक्रेट। आपको कमेंट करनी है, ऑप्शन है, ऑप्शन दे देते आपको, नो एंड फाइंड आउट द बो। यस बट गाइस को पता कैसे चलेगा, उन्हें नेम भी तो देना है, तो मैं नेम के लिए उन्हें बता देती हूँ, एंड स्पीच ऑन रिटायरमेंट मम्मा की स्पीच थी, उसका भी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। सो दिस वन बो दिस वन, इन तीनों में से मम्मा ने कौन सी बो यूज की? ये है क्लॉथ बो, सीक्वेंस बो, फैंसी बो, ठीक है नेम सबको मैंने बता दिया आपको। इन थ्री बो में से आवाज आते हैं, ये है सीक्वेंस वाला, इसे मैं मेरी सीक्वेंस वाली शिफ्ट, ये भी मैं स्टडी के लिए, ये है पॉम पॉम हेयर बैंड, नो दिस इज नॉट पॉम पॉम, इट्स फरी हेयर बैंड। पॉम पॉम वो होता है, बॉल्स होती है ना जो फूल की नहीं कहते हैं, बट गाइस वैसे इसे भी कह सकते हैं पॉम पॉम, रेड हेयर बैंड्स। There are so many rubber bands, guys.
बाकी तो अभी ऐसे वैसे ही है जो मैं नॉर्मली यूज करती हूँ. सी एंड यहाँ पे ना एक और हैट है, ये मैं सोच रही थी मैंने कहाँ रखी हुई है. एंड ये दोनों मोस्टली सेम है. क्या डिफरेंस है दोनों में, बस एक ये रिबन है. अगर इस रिबन को और हम इसे बता दें तो इट विल बी सेम. बाकी सारे मैं मोस्टली पढ़ाई के लिए यूज करती हूँ गाइस, इनमें तो कुछ खास नहीं. तो ये है हमारा, ये मैंने ना आयू के बर्थडे पे पाया था ना. एंड ये थी मुझे मामा ने ला के दिया था. एक मीडल्स थे, आम कौन से थे, एक वीडियो थी ना मम्मा कौन से थे. अरे इतना एटीट्यूड में छोरी रहती है कि हाँ उस वीडियो में और ऑक्सीजन वाली वीडियो में, वो भी आपको लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में, दोनों शॉर्ट्स हैं. उस ड्रेस के साथ मैचिंग मम्मा ने दिलाया था, बट उस जब वो वीडियो बन चुकी थी उसके बाद दिलाया था, तब मैंने वो सोचा मैं दिवाली पे वो पाऊंगी दिवाली के लिए. इसका तो फ्लावर्स ही तरह तो वैसे यूज नहीं करती. एंड यहाँ पे मल्टी कलर रेनबो है बाबा. मेरा क्या मन करता है जो होते ना ऐसे ईयर्स वाले, बट वो ना गाइस बहुत बड़े होते हैं, तो मुझे मिल ही नहीं पाया. आपको पता है इतने बड़े बड़े होते हैं वो, यहाँ से लेके इतने बड़े बड़े जो बिल्कुल मुझे अच्छे लगे. सो फ्रेंड्स ये मम्मा बोली थी ना मेरे पास और सारे बॉक्सेस पड़े हैं, तो मैंने वो भी निकाले. मेरे कहा मम्मा निकालो फ्रेंड्स को दिखाना है. सबसे पहले ये है गजरा मम्मा का, एंड इसमें रोज है, कुछ रोज इसमें अटैच है. ये कुछ गजरा. अब हम आते हैं इस बॉक्स पे. वाओ गाइस ये है कड़ा, सी ये भी आता है. फ्रेंड्स आप राधा कृष्ण सीरियल देखते होगे ना हमारी तरह, उसमें सब कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स का है, तो उसमें भी आई थिंक पाते हैं ये कड़े है ना. ये है एक है ब्रेसलेट, इसे नीचे नॉच करना होता है. ये भी सेम ही है, डिजाइन ऊपर की ना फिनिशिंग अलग होती है. यहाँ पे मम्मा ने कॉटन रखी हुई है. ये है पम पम वाला ब्रेसलेट, इसे यहाँ पे ऐसे ये ऐसे रहते. ये है टू शेड होती है ना एक्सेल वाली, एंड ये नॉर्मल ब्रेसलेट है फ्लावर्स वाला. ये दिया था नानी, नानी अक्षी और मम्मा के लिए सुंदर सुंदर सामान. ये सारे गाइस नानी ने दिए हुए हैं मम्मा के लिए और मेरे लिए, क्योंकि मम्मा का मुझे आ ही जाता है. ये मम्मा के लिए था, ये मामी ने दिया हुआ है. हाँ ये मामी एंड आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करना, पर अभी नहीं जब हम बोलेंगे लिंक दिया हुआ है, पर फिर आप ये वाले वीडियो नहीं देख पाओगे. ओके सो अब हम जाते हैं इस बॉक्स पे. इस बॉक्स पे है इंटरेस्टिंग चीज है. सी ये तो दी है पेन, ये बहुत लवली है. मैं भी आज देख रही हूँ मम्मा का ट्रेजर बॉक्स. ये ना लटकन अच्छी लगती है ऐसे. वाओ बनाना क्लिप ऑसम, रोज क्लिप इज रोज क्लिप एंड इट्स न्यू. यस इट्स न्यू. वाओ गाइस इट डोंट ओपन इट इट्स फ्लावर, ये मेरे से खुल भी नहीं. व्हाट्स दिस, अच्छा ये वो है ना यहाँ पे लगाने वाला, ये है यहाँ पे लगाने वाला. ये हेयर एक्सेसरी, हाँ हेयर एक्सेसरी मान सकते हो, हेयर्स में ही लगता है. ये क्या है, लॉकेट है. ये भी वो है गाइस, ये ना मैंने आयु के बर्थडे पे लगाया था. इस पे पता नहीं थ्रेड कहाँ से आ गया, अड़ गया इसमें. सो ये मैंने आयु के बर्थडे पे लगाया था ना मम्मा, आयु का फर्स्ट मांग टीका.
ये भी एक पिन है। Guess what's it? ये कोई हार नहीं है, ये वेस्ट बेल्ट है मम्मा की। वैसे मम्मा ने लगाई नहीं कभी, बस ले ली है। मुझे भी नहीं पता कितनी पुरानी है, बट इट्स ब्यूटीफुल गाइस। एंड देयर इज अ रबर बैंड। What is this? It's a bracelet. Clutcher. Now for a treasure. Awesome. This is only party wear treasure. Daily routine box is different. Yes. ये सिर्फ पार्टी के लिए मम्मा यूज करती हैं। अभी बहुत कम। ये है क्लिप। इसका लॉक बहुत डिफरेंट है। ये भी क्लिप्स हैं। दे आर सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्लिप्स। सो फ्रेंड्स ये है मम्मा का ट्रेजर बॉक्स। इसे देख के तो किसी को नहीं मतलब क्या मजा आया होगा इसे देख के। इतना मजा मेरे कलेक्शन को देख कर नहीं आया होगा। इसमें मेरा फेवरेट क्लिप भी बना है। I like this। And friends मैं आपको एक बात भी बताना चाहती हूँ। इस बार ही हम कोई अच्छी अच्छी वीडियोज नहीं ला पा रहे, मतलब शायद से हमारी वीडियोज थोड़ी थोड़ी अच्छी ना हो, बट हम अगली बार से और अच्छी वीडियोज लाने की कोशिश करेंगे। एंड फ्रेंड्स अब 100 से भी ज्यादा वीडियोज बनाने के बाद हमारा दिमाग चलना बंद हो गया। हम कौन सा चैलेंज बनाए, इसलिए अब हम कलेक्शन की वीडियो ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके कोई भी चैलेंज है तो आप कमेंट करो प्लीज गाइस। एंड हम बार बार ये नहीं बताएंगे कि कमेंट आपको सिर्फ यूट्यूब पे करना है, आप फेसबुक पे जाके भी कर सकते हो। हम हर जगह देखते हैं एंड 24 आवर्स चैलेंज की ओर से हम कम कर पाते हैं। सो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, वो वाला चैलेंज करें ईटिंग वाली फॉर 24 आवर्स, क्योंकि अभी मैं नवरात्रि की लास्ट क्योंकि व्रत रखती हूँ तो उसमें चैलेंज भी हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है चैलेंज। अगर आपको ये सिलसिले अच्छी लगी लाइक कर देना एंड 100 लाइक्स आपको चाहिए। वन मोर बॉक्स इज देयर। ओके चलो चलें। व्हिच वन बॉक्स? मेन जीव लेवल बॉक्स। ये तो मेन बॉक्स है। आ जाओ सबसे पहले मेन बॉक्स। ओह ये पूरा भरा हुआ है, सारा रखा है मैंने इसके अंदर। सो इसके अंदर मेरी कुछ हेयर एक्सेसरीज मींस रबर बैंड्स वगैरह नॉर्मली है, बहुत कम यूज कर मतलब बहुत ज़्यादा यूज कर तारी में क्या बोली जा रही हूँ। अब है ये मम्मा, इसमें बनाना क्लिप है मम्मा के, ये अच्छा है। अब सबसे अच्छी वाला दिखा देती हूँ मैं आपको। मम्मा अच्छा मेरा मेरा फेवरेट ये है, मतलब डूडल आर्ट। आई लव डूडल आर्ट और मंडाला आर्ट वेरी मच। एक और भी ऐसी थी, सी इस हाफ फ्लावर सेमी फ्लावर सेमी सर्कल सेमी फ्लावर। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। 1 मिनट लाइक करना है आपको। फ्रेंड्स आयुब बोल रहा था मुझे कि ना मुझे भी मेरी टॉयज कलेक्शन बनानी है, तो मैंने सोचा मुझे मेरी हेयर एक्सेसरीज की कलेक्शन तो बनानी है जो कि बन चुकी है। सो इस वीडियो में अगर आप 100 लाइक्स करोगे तो हम वीडियो लाएंगे आयु के टॉयज की कलेक्शन। ओके थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। बाय बाय। जैसे कि आपको बटन यहाँ पे दिख रहा है आपको वैसे ही करना है। बाय बाय।